अबे भाई बहुत सेक्सी मजा। इतने मादरशुद होते ना डिलीवरी वाले, इतने मादरशुद, प्यार पागल कर देता है इंसान को। नया बंदी काट गई तो दोस्ती याद आते हैं भाई। भाई आप बताओ, देखिए जोतवानी। हाँ भाई, लव यू ब्रदर, लव। सो हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस निखिल जोतवानी। तो स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। भाइयों अभी आए हूँ टेरेस पे, और सबसे पहली बात भाई सॉरी 3 दिन से व्लॉग नहीं डालने के लिए, क्योंकि भाई 3 दिन से पता नहीं कौन से बहन के लंड की मेरे को नज़र लग गई है। पहले मेरी साल साल भर तबीयत खराब बहुत मुश्किल रेयरली होती थी, एक आधी बार। अभी बहन जो हर 2 महीने में तबीयत खराब हो जा रही, कुछ हो जा रहा, तो बहुत वीक फील कर रहा था। अभी भी थ्रोट और फीवर होता ना भाई, मेरा सबसे पहले थ्रोट पकड़ लेता, इतना दर्द देता है, मेरे को इन्फेक्शन हो जाता, क्या हो जाता है। तो कल रात को थोड़ा कम हुआ है, तो आज व्लॉग स्टार्ट किया है। और जिम मिस नहीं किया था, जिम फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तबीयत खराब थी। फ्राइडे गया था, संडे बंद रहा था, सैटरडे मैंने छुट्टी कर ली थी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को थोड़ा बहुत जाके वर्कआउट कर लेना था। तो जो भी हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हफ्ते से कोई रेस्ट नहीं लिया था तो रेस्ट ले लिया। सो अभी जा रहे हैं जिम, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और व्लॉग तुम्हारे भाई ने कर दिया स्टार्ट। भाई टेंशन मत लेना कि सिर्फ व्लॉग में सिर्फ और जिम का ही दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन बाहर भी जाएंगे, कहीं जाऊंगा आज, बिल्कुल दिखाऊंगा, और जो जो होगा सब दिखाऊंगा। सो आज है मेरा शेड्यूल चेस्ट और ट्राइसेप का, तो वो दिखाऊंगा आपको, पूरा नहीं दिखाऊंगा, एक आधी। मैंने काफ़ी दिन से पावर लिफ्टिंग छोड़ रखी है, करीबन 15 जनवरी से, क्योंकि मेरे भाई की शादी आ गई थी, जैसे आपने ब्लॉग देखा है, तब से मेरी पावर लिफ्टिंग रुकी हुई है। तो फिलहाल मैं बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करूँ, बट मैंने छोड़ा नहीं हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग की एक्सरसाइज में लाइट वेट, मतलब जैसे मेरा PR जो भी है उससे मैं 10-20 किलो कम में मैं रैप्स मारता हूँ, कि बाद में मैं अपना पावर कभी चेक करना चाहूँ तो कर सकूँ। और एक प्रॉपर वर्कआउट वीडियो मैं किसी के साथ करने वाला हूँ। एक भाई है अपना, रैपर है, रैप लिखता है भाई वो, उसने 1-2 रैप गाया भी है, उसके नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा कौन है। तो उसके साथ एक प्रॉपर वर्कआउट वीडियो शूट करेंगे, और कौन सा मसल करूंगा क्या करूंगा सब आपको दिखाऊंगा। पहले मैं प्री वर्कआउट भी लेता हूं, क्योंकि आपसे तुरंत बात करके मैं निकल जाऊंगा जिम के लिए, तो वैसे भी 20 मिनट लगता है हिट होने में। हाय, और आज 1-2 काम भी है, काम मेरे को दिन को करने चाहिए, बट पता नहीं दिन को इतनी धूप चल रही है कि मैं कुछ काम करने के लिए बाहर निकल ही नहीं रहा हूँ। उठता हूँ, मिल लेता हूँ, घर पे ही रहता हूँ। मेरे को जाना चाहिए आज बाहर, क्योंकि मेरे को टिकट निकालनी है। हाँ बात है, टिकट निकालनी है, कहाँ की निकालनी है अभी इस व्लॉग में नहीं बताऊंगा। ये मंथ में मैं 3-4 दिन बाहर जा रहा हूँ कहीं अकेले, मेरे साथ कोई नहीं चल रहा है, और कहाँ जाऊँगा आप लोग को दिख जाएगा। और आज टिकट मैं करवा दूंगा, क्योंकि बहुत महंगी हो रही तो जा रही है फ्लाइट की टिकट, तो मैं आज ही करवा लेता हूँ। बाकी अभी वर्कआउट आज अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि मंजोत पिछले 2 दिन से दिल्ली में है, वो किसी काम से गया है, तो अकेले ही करना पड़ेगा। मंजो वैसे भी बहन, ये टी शर्ट देख लो, ये टी शर्ट तुम्हारे भाई ने मंगाई थी ऑलस्टेक कंपनी से। सो ऑलस्टेक कंपनी 2 टी शर्ट मंगाई थी, एक ये ग्रे और एक ब्लैक, तो काफ़ी अच्छा। लेकिन जब डिलीवरी हुई ना, 8 दिन बाद आई डिलीवरी, मैंने फ्यूज मेरे घर के बाहर खड़ा था, और मैं जैसे ही डिलीवरी लिया तो हम जा रहे थे बाहर, मैंने फटाक से लिया पार्सल लिया और डिक्की में डाल दिया। रात को जब मैं बाहर जा रहा था, थर्सडे को या फ्राइडे को मेरे को याद नहीं है, तो मैंने खोला तो देखा तो एक ही टी शर्ट निकली, वो ये, और उस पर 2 का लिखा हुआ था, फिर देखा तो पैकेट पे लगी हुई थी टेप। सो भाई इतने मादरशुद होते ना डिलीवरी वाले, इतने मादरशुद कि भाई सील फाड़ते हैं, कोई दूसरी टी शर्ट डाल देते, नहीं तो अगर 2 रहेंगी तो 1 निकाल देंगे। ऐसे मिंत्रा से ही मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं 3-4 टी शर्ट मंगाई थी, सेल चालू थी, तो भेजे उन्होंने 3-4 ही, तो उस पर भी टेप लगी हुई थी। अब मैंने नोटिस नहीं किया, उसमें मेरी गलती थी, मैंने ले लिया, फिर मैंने उनके वेबसाइट पर मैसेज वैसेज किया, तो अच्छे है काफ़ी। उन्होंने दूसरा पहले बोले भाई फोटो वोटो भेज दो पार्सल का जो भी है, बोला भाई ये लोग देख लो, मैंने इस साइड से भरा हूँ और टेप इस साइड ऑलरेडी लगी हुई है। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम से कभी मंगाऊंगा तो ऐसे एक्सेप्ट मत करना, वो मैं ध्यान रखूंगा। बाकी उन्होंने मेरे को मैसेज आया दूसरी वो ब्लैक टी शर्ट उन्होंने डिलीवर कर दिया, वो मेरे पास आ जाएगी, तो वो भी दिखाऊंगा। सो चलो अभी चलते हैं जिम, फिर मिलता हूँ आपसे, 1-2 काम में निपटाएंगे। बाय। आलू कर दिया हूँ, बारह क्यों लगते हैं ना भाई। Like a shadow, there's a dark side to me. I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into.
I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you irrelevant, I don't stop till I'm at the top settling. I live here like a local resident, and you know I ain't selling it. I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll make it. So, hello. बेंच कर लिया, बाकी भी बहुत एक्सरसाइज बाकी है, डेढ़ घंटा और लग जाएंगे ना आपको। सारी एक्सरसाइज नहीं दिखाने वाला हूँ, सभी चल के एक एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, डंबल प्रेस बस। उसके बाद वर्कआउट बाद मिलूंगा, मेरे को पूरा वर्कआउट का नहीं दिखाना आपको, ठीक है? तो चलो पहले बस साइड देख लो एक बार। Think that I lost my mind, hours and hours spent time grinding on the things I write, fighting through the sleepy nights. And still, man, I'm getting screwed, having I paid my fucking dues. Algorithms pick and choose, we're all slaves to what they do. Wait, no, it's a gift, I can go from poor to rich. If you figure out the switch to get to the top of it, I don't know, I don't care, I'm pulling out my fucking hair. I just wanna create and share, help the world become aware that you could do it. Hello. ये खा के जूस पी के मिलता हूँ, जूस ही पिलाया था आज, जिसकी बारी है। हमेशा मेरे पैसे से पीता है, सब जबरन मेरे पैसों से पीता है। पर भाई जाने में चलता है भाई, पैसे से क्यों पीना रहा तू? तू ही तो बोल रहा है मेरे पैसों से पीता, अगर मैं हिसाब वो तो मैं काट दूंगा ना। हाँ हिसाब जूस पी है, 9 बजे मिलता हूँ, टिकट करा कर मिलूंगा एनी हाउ, ठीक है? सच्ची करा के थे, आज करवानी है भाई। थाईलैंड जा रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ। तेरे पापा ने अभी व्हाट्सएप स्टेटस करा था, कल से मतलब नागपुर से टिकट 4,250 रुपये में मिलेगी मेरे लिए। नहीं नहीं 27 अप्रैल ना, 27 अप्रैल, 27 अप्रैल को। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। क्या बोला है, कम रेट हो रहा है? बोला आई तो ठीक है। तेरे का पेटीएम में कितनी दिखा रही है? 4,200 बोला ना तूने, पेटीएम में कम हुआ है इसका देख के बोला। तो भाई गोल्डी को छोड़ दिया जूस वूस पी के, अभी हो रहा है 8, मैं मिलूंगा आपसे 9 बजे, क्योंकि 1 घंटे मेरे को पापा के साथ बाहर जाना है, तो उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बाकी ट्रैफिक बहुत है भाई, मैं बाद में मिलता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ एक हाथ से, ठीक है? तो बाय, मिलते हैं 1 घंटे बाद। मोर लाइट रिक्वायर्ड भाई आ रहा है, इधर लाइट नहीं है, रुको लाइट में जाके बात करता हूँ, इसका हो जाए ना पहले। सवाई लोग अभी हो रहे रात के 9:30, मैं काम वाम निपटा गया, उसके बाद 9 बजे आ गया था, उसका आधा घंटा मैं डैनी के साथ गाड़ी में घूम रहा था, तो अब थोड़ा अभी अंधेरा थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसको बार बार यहीं सुसु करना है पता नहीं क्यों। आधा घंटा तो भाई इसको गाड़ी घुमाया, क्योंकि इसको टू व्हीलर पर घूमने में बहुत मज़ा आता है, इसको पैदल से ज़्यादा टू व्हीलर पर घूमना है, बट पैदल भी घुमाना पड़ता है क्योंकि अगले को फ्रेश होना पड़ता है, तो अभी फ्रेश हो रहा है बंदा, मेरा वेट कर रहा था कब से, तो तब से आया नहीं हूँ, अभी जा रहा हूँ नहाने इसको घुमाने के बाद, और फिर जाऊँगा अपने भाई यारों से मिलने, ठीक है? तो नहा के मिलता हूँ तुम लोगों से, थोड़ी बहुत बकचोदी करेंगे, चलो जल्दी। तो भाई लोग मैं ये तो भूल गया था कि बेंचर फ्लैश भी रहता है, बैक कैमरा भी रहता है, क्योंकि पहले मैं बैक कैमरा से करता था, अभी मेरे को फ्रंट कैमरे की आदत पड़ गई है, तो ये अभी भी वही देखो अभी इसको हुआ है। तो चलो यही बताने के लिए बस वापस व्लॉग चालू किया था कि भाई मैं भूल गया था, तो मैं बैक कैमरा भी रहता है, फ्लैश भी रहता है। चलो भाई एक बात बता रहा हूँ, पहले इसको दिखाऊं कौन है मेरे साथ शख्स। इसको मैंने 10:50 में दुकान से निकला है, मैंने इसको कॉल किया कि भाई मतलब निकल रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ, खा के कॉल कर रहा हूँ। मैंने इसको बोला 11:15 पे मैं वेट कर रहा हूँ, वॉशरूम में बैठ के टट्टी कर रहा था, मैंने उसको बोला भाई हो गया मैं आऊं आऊं, तो बोलता उसकी फोन बिजी, मतलब किससे बात कर रहा, बोलता उससे। मैं बोला भाई ये क्या प्यार पागल कर देता है भाई इंसान, दिन से बोले मतलब दिन नहीं, इसने बोला खाना नहीं खाया हूँ, खाना खाना है, बट इस लड़की के चक्कर में सब भूल जाता है, बता इनको क्यों किया तूने? पगला है क्या भाई लड़की के चक्कर में? नहीं भाई नहीं गाइस, ऐसा नहीं है गाइस, वाइस नहीं, इधर सब मेरी बात सुनेंगे, मेरे को उनको पता है भाई भाई प्यार पागल कर देता है इंसान को बहुत ज्यादा, जब प्यार बहुत प्यारा हो तो पागल हो जाता है इंसान। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांव में चनू ने काट रहा है। मेरा हाथ मत छोड़ना।
बोल बोल, अरे इधर एक सेकंड, अबे इतना ही बोलना है भाई। हाँ एक सेकंड, क्या गबर गबर देख ना, तेरी माँ की कसम, मेरी माँ की कसम, उससे बात करते वक्त तो नींद नहीं आती तेरे को। अभी आ रही है ना भाई, अगले को आज ही धोखा मिल गया, आज बोला आज ही बंदे को धोखा मिल गया, बहनचोद घर जाके बाहर आया है। गाय का रिजर इधर है, ऐसा होता है भाई, मेरे बोलने के हिसाब से ब्लॉग डला नहीं है, लेकिन भाई का पहले ही कट गया भाई। तुम्हारे लिए आया हूं, बंदी काट गई तो दोस्ती याद आते हैं भाई। बोलने की बात है भाई, इसकी बंदी भी काट गई थी 3 साल पहले, तब से मोटा हुआ ना, तो पहले इसके एप्स थे। मदरफकर रियल सिक्स पैक। 3 साल पहले नोटबंदी आई थी, 3 साल पहले नहीं हो तो 6 साल पहले आई थी, और मेरी बंदी थी प्रीति आर से नाम था यार, मेरी बंदी को याद नहीं है। मादर अपना काम कर रहा, रुजा भाई तुम्हारा 1 मिलियन हो रहा है क्या पहले वो देखो। नहीं भाई मेरे 100 घंटे के। अरे अरे भाई का कंटेंट चोरी मत कर, भाई आप बताओ। देखिए जोतवानी, हाँ भाई लव यू ब्रदर, लव यू बाय, चलो बाय, टेक केयर। नागपुर में भले स्पीड लिमिट 120 क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, बात तू 60 की चल। ओल्डी समाज मेरी माँ इंतजार कर रही है घर पे भाई, तुम्हारी भी माँ इंतजार कर रही है भाई, ऐसे मत चलाओ। अबे भाई 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 साहब मजाक चढ़ गया, इतना मजा आ रहा भाई। देख लो क्या ब्लॉग चालू है, ब्लॉग अबे भाई बहुत सेक्सी मजा आया भाई, तेरा करता है चिल, जाने दे मैटर जो कल के थे, माँ जुदा गई दुनियादारी, भाई तेरा लाइफ ले रहा हल्के में अभी।